आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच 3 मई से जारी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। 2 लापता स्टूडेंट्स की हत्या को लेकर प्रदर्शनकारी विरोध कर रहे हैं। उधर 27 सितंबर को भीड़ ने थाउबल जिले में बीजेपी ऑफिस में आग लगा दी। इसके अलावा इंफाल में बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट शारदा देवी के घर पर भी तोड़फोड़ की। पुलिस ने बुधवार को प्रेस नोट जारी कर बताया कि राज्य में बीते 24 घंटे में माहौल तनावपूर्ण रहा, लेकिन हालात पर कंट्रोल किया गया। हिंसा से जुड़ी घटनाओं को लेकर 1697 लोगों को हिरासत में लिया गया। स्टूडेंट मर्डर केस की जांच के लिए सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर अजय भटनागर अपनी टीम के साथ बुधवार को स्पेशल फ्लाइट से इंफाल पहुंचे। राजधानी इंफाल सहित कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प हुई। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले, नकली बम फेंके, साथ ही पैलेट गन भी चलाई। इसमें कई स्टूडेंट्स घायल हो गए। वहीं एक छात्र के सिर में छर्रे घुसने से उसकी हालत गंभीर है। इंफाल घाटी में पिछले 2 दिन में हुए प्रदर्शन में 50 लोग घायल हो गए, इनमें ज्यादातर छात्र हैं। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।